हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह का टाइम है, लगभग 9 बज रहे हैं। तो हम आ गए हैं गेहूं की ढुआई करने के लिए। और आप देख सकते हैं पगड़ी से तो पहचान ही गए होंगे हम क्या करने आए हैं। तो जस्ट हमारे पीछे वहां पे देख सकते हैं, वहां पे दो ठेले लगे हुए हैं और उस पर हम गेहूं ले जाकर रख रहे हैं। और पूरा हालत ख़राब हो चुका है क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। जहाँ से हमें गेहूँ ढोकर लाना है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा है, वहाँ पर ठेला नहीं जा सकता यानी रिक्शा नहीं जा सकता। तो हमें सर पर लाकर रखना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा दूरी पड़ रही है। और देख रहे हैं नदी नाले में से चलकर जाना पड़ रहा है। और तो अभी हम दिखाते हैं गेहूं वाला खेत तो कैसे हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे देख सकते हैं हर साल सूख जाता था ये, लेकिन अब की बार पानी है इसमें और हमें घूम कर ले जाना पड़ रहा है। नहीं तो हम सीधे निकल जाते शॉर्टकट से, थोड़ा नज़दीक हो जाता, लेकिन थोड़ा हमें घूम कर जाना पड़ रहा है। पानी इसमें और इसमें खुदाई भी हुई थी तो इसमें बहुत बड़ा गड्ढे जगह जगह पे हैं, तो इसमें से हम जा भी नहीं सकते हल्के। तो हमें अभी हम पहुंचने वाले हैं खेत में और अभी तक हमने ब्रश भी नहीं किया है। सुबह सुबह लगभग 5 बजे के करीब में हम आ गए थे खेत में और लेकिन अभी ढुआई कर लेंगे, उसके बाद करेंगे ब्रश, क्योंकि हमारे यहाँ शादी भी है तो शादी में भी अटेंड होना है, एंट्री करनी है। तो जल्दी से फटाफट यहाँ से काम ख़त्म भी करना है तो वहाँ पे पहुँचना है। तो अभी हम पहुँच गए हैं, हम दो लोग ले जाकर रख रहे हैं वहाँ पे। थोड़ा कल ले जाने वाले थे लेकिन आज ही देख सकते हैं ये गेहूं का खेत है, जितने बोझ बंधे हुए हैं ये सब अभी ले जाना है। और कुछ ले जो खाली दिख रहा है इधर जो खाली दिख रहा है इसमें से ले जा चुके हैं और बस इसको ले चलते हैं फटाफट। और इधर देख सकते हैं पीछे हमारे आम वाली बाग है, आम के पेड़ बहुत ज़्यादा इसमें हैं और अभी तो छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े हैं, नहीं तो हर साल आते थे कटाई करने या ढुआई करने तो इतने बड़े बड़े हो जाते थे। और फ्रेंड्स एक बार फिर से अभी मैं दिखाता हूँ, जितना सब बोझा था सब चला गया, मात्र एक बोझा और बचा है, लेकिन हालत एकदम पतली हो चुकी है। ये गला जो है बहुत दुख रहा है, आपको दिखाता हूँ। वो जो पेड़ दिख रहे हैं वहाँ पे हमें ले जाकर ठेले पर रखना पड़ रहा है। और एक ही बोझा मैं दिखाता हूँ, एक ही बोझा यहाँ पर पड़ा हुआ है, बस इसी को ले चलना है, इसको ले चलते हैं फटाफट। और मैं एक बार आपको दिखाता हूँ ये कितने आम फल लगे हुए हैं, ये बैक वाले कमरे से दिखा देता हूँ एक बार। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने आम, बहुत बड़ा आम ही आम दिख रहे होंगे ये। और इतना नज़दीक है कि हम हाथ से भी इसको ये देख सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा आम हुआ है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आम के पेड़ हैं, ये सब आम है पूरा, इस पर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, लगे हुए हैं यहाँ बहुत ज़्यादा इसमें। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं ये रहा ठेला और इस पर लगा हुआ है गेहूँ। और जस्ट पीछे भी इसके मैं दिखाता हूँ, ये पहला वो वाला दूसरा ठेला, दो ठेले पे लगते जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा जल्दी हो जाएगी। तो मैंने बताया ना अभी कि हमें शादी में भी जाना है तो इसीलिए फटाफट दो ठेले पर लाके ले जाने वाले थे टाली से, लेकिन टाली खाली नहीं था क्योंकि शादी है तो उस पर टेंट का सामान आएगा लगकर, तो टाली खाली नहीं थी इसलिए हमें ठेले पर ले जाना पड़ रहा है। और टाली भी नहीं खाली थी प्लस ट्रैक्टर भी नहीं खाली था, क्योंकि जो मैंने लाल वाला गन्ना नहीं बताया था अगले वाले वीडियो में, तो वो जो लाल वाला गन्ना होता है उसकी बुवाई के लिए जो नाली बनाई जाती है खुदाई करके, तो खुदाई चल रही है तो ट्रैक्टर भी नहीं खाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।